हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की टीचर। आज पढ़ेंगे हम पार्ट नंबर 6, जिसका नाम है संज्ञा नाम। चलिए बच्चों पढ़ते हैं। हम जिस किसी का भी परिचय प्राप्त करना चाहते हैं, सबसे पहले हमें उसका नाम ज्ञात करना होता है। संसार में प्रत्येक प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव का कुछ ना कुछ नाम अवश्य होता है। चलिए बच्चों, नाम वाले सभी शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम कपिल शर्मा, अनिल, सुनील, मनीष, अशरफ आदि। आपका नाम, आपके दोस्त का नाम, आपके मम्मी पापा का नाम, मेरा नाम, ये सब क्या है बच्चों? ये है व्यक्तियों के नाम। वस्तुओं के नाम कंप्यूटर, कार, मोबाइल, स्कूटी, टेलीविजन आदि। जैसे बच्चों वॉशिंग मशीन, बोतल, डब्बा, ये सब क्या है? किसी भी वस्तु का कोई नाम होगा तो वो कहलाएगा वस्तुओं के नाम, यानी कि वो वस्तु वाली संज्ञा। चलिए आगे देखते। स्थानों के नाम अस्पताल, कॉल सेंटर, शॉपिंग मॉल, पार्क, मंदिर आदि। भावों के नाम हंसी, लड़ाई, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, कड़वाहट, मिठास आदि। विशेष, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा, स्थिति अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा यानी नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा। ये होते हैं बच्चों संज्ञा के भेद। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, कृष्ण, विष्णु, सीता, रामायण, महाभारत, चेतक, ऐरावत, कुतुब मीनार, ताजमहल आदि। जातिवाचक व व्यक्तिवाचक संज्ञा का अंतर समझिए। जातिवाचक संज्ञा बच्चों, जैसे हमने कहा पुरुष, पुरुष पूरी जाति का बोध करा रही है, तो ये होगी जातिवाचक संज्ञा। जैसे स्त्री, स्त्री मतलब सभी स्त्रियां, इसमें बच्चे, बूढ़ी, सारी सभी प्रकार की स्त्रियां आ गई है, तो ये होता है जातिवाचक संज्ञा। आगे देखिए, जैसे कवि, नदी, नगर, देश। बच्चों जो शब्द हमें पूरी जाति का बोध कराते हैं वो कहलाते हैं जातिवाचक संज्ञा। आगे देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, राम, सीता, कबीर, गंगा, दिल्ली, भारत। बच्चे इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं। जैसे पुरुष, वो जातिवाचक संज्ञा में आया। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने क्या कहा? राम। राम यानी कि स्पेशल व्यक्ति का हमने नाम लिया है, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम लिया, तो वो आएगा बच्चों व्यक्तिवाचक। जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सब स्त्री। स्त्री तो स्त्री कहने से तो जाति का बोध हो रहा है। अब वही हमने जब किसी स्पेशल, किसी महत्वपूर्ण स्त्री का नाम लिया, जैसे सीता, इंदिरा गांधी, तो ये सब किसमें आएगा? ये आएगा बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन, जो शब्द एक ही जाति या वर्ग के सभी प्राणियों, स्थानों अथवा वस्तुओं का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, शेर, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, कंप्यूटर, मेज आदि। हमने देखा बच्चों ये चित्र देखिए जरा, जैसे शेर, लड़का, कंप्यूटर, मेज, ये सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। विशेष, जातिवाचक संज्ञा को विशेष नाम देने पर वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। ये था जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी अथवा वस्तु के गुण, दोष, भाव, स्थिति आदि का बोध होता है। जैसे बचपन, बुढ़ापा, जवानी, वीरता, गहराई, ऊंचाई, सजावट, मित्रता आदि। बच्चों यहाँ कुछ चित्र दिए गए, जरा देखिए। तो आप, पहला चित्र बुढ़ापे को दर्शा रहा है, दूसरा जवानी को, तीसरा बचपन को, चौथा वीरता को। तो ये क्या है बच्चों? ये है भाववाचक संज्ञा, यानी कि ये भाव है। भाववाचक संज्ञा की पहचान, रिकग्नाइजेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन संज्ञा शब्दों के अंत में पन, ता, त,
त, त्व, आपा यानी प, आहट हट, आवट कवट, ई आई प्रत्यय जुड़े होते हैं। बच्चों ये आपकी पहचान के लिए है, जैसे बचपन, लड़कपन, अपनापन, दासता, मधुरता, मानवता, मनुष्यत्व, पशुत्व, देवत्व, मोटापा, बुढ़ापा, घबराहट, मुस्कुराहट, लिखावट, गिरावट, थकावट, नरमी, गर्मी, सर्दी, खटाई, पिटाई, लड़ाई, मिठाई इत्यादि। बच्चों भाववाचक संज्ञा वो होती है जिससे कोई भाव व्यक्त हो रहा हो। भाव को हम कभी छू नहीं सकते, जैसे वस्तुओं को छू सकते हैं, स्थान को देख भी सकते हैं। भाव वो होता है बच्चों जो सिर्फ महसूस किया जा सकते हैं, जैसे बचपन, बचपन को तो महसूस किया जा सकता है। जैसे मिठास, मिठास को तो हम अपनी जवान से टेस्ट करके उसका स्वाद ले सकते हैं, लेकिन हम उसे व्यक्त नहीं कर सकते उस तरीके से। तो भाव यानी कि जिसे फील किया जा सके, जिसे अनुभव किया जा सके, वो कहलाती है भाववाचक संज्ञाएं। आगे देखिए बच्चों, समुदाय वाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन। इन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी अथवा वस्तु के झुंड अथवा समूह का बोध होता है, जैसे झुंड, भीड़, सभा, सेना, दल, टीम आदि। बच्चों यहाँ कुछ चित्र दिए गए, जरा आप उन्हें देखिए। पहला चित्र सेना का है, सेना यानी कि बहुत सारे सैनिक उसमें इकट्ठा है। भीड़ यानी कि कुछ बहुत सारे लोगों की भीड़ है, तो वो भीड़ हो गई। दल, टीम, बच्चों जहाँ पर बहुत सारे लोग समूह में इकट्ठा हो तो उसे कहते हैं समुदाय वाचक संज्ञा। चलिए आगे देखिए, पदार्थ वाचक संज्ञा यानी मटेरियल नाउन। इन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ का बोध होता है, जैसा कि नाम से ही बोध हो रहा है पदार्थ, जैसे पानी, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, दूध, सोना, लकड़ी, चांदी, लोहा आदि। बच्चों इन चित्रों को देखिए, जैसे दूध, लकड़ी, पानी, ये सब क्या है? ये है पदार्थवाचक संज्ञा। विशेष, पदार्थवाचक संज्ञाएं प्राय बहुवचन में प्रयोग नहीं होती और ना ही इन संज्ञाओं को गिना जा सकता है, इन्हें केवल नापा या तौला जा सकता है। तो ये क्या कहलाती है बच्चों? ये कहलाती है पदार्थवाचक संख्याएं, जिन्हें केवल नापा या तौला जा सकता है, इन्हें गिना नहीं जा सकता। आगे देखिए, भाववाचक संज्ञाएं बनाना, फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे बच्चों भाववाचक संज्ञाएं मूल शब्द नहीं होती है, इन्हें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा क्रिया विशेषण में प्राय प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है। जैसे मानव एक संज्ञा है, इसमें हमने ता जोड़ दिया, ता प्रत्यय है, क्या बना बच्चों? मानवता, तो मानवता हो गई भाववाचक संज्ञा। इसी तरह देखिए, अपना सर्वनाम है, इसमें हमने पन प्रत्यय जोड़ा, बना अपनापन। मोटा विशेषण है, इसमें हमने पा प्रत्यय जोड़ा, तो बना मोटापा। सफेद क्रिया विशेषण है, ई प्रत्यय जोड़ा हमने, बना सफेदी आदि। बच्चों इसी तरह और भी शब्द बनाए जा सकते हैं जातिवाचक संज्ञा से, यानी कि फॉर्म कॉमन नाउन। चलिए देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा है और उससे बनाई गई बच्चों भाववाचक संज्ञा है, दोनों साथ में। दोस्त, दोस्ती, लड़का, लड़कपन, नेता, नेतृत्व, सज्जन, सज्जनता, चोर, चोरी, बूढ़ा, बुढ़ापा, बंधु, बंधुत्व, ईमान, ईमानदारी, नारी, नारित्व, बच्चा, बचपन, सेवक, सेवा, भाई, भाईचारा, माता, मातृत्व, बालक, बालकपन, स्वामी, स्वामित्व, शत्रु, शत्रुता, नौकर, नौकरी, मित्र, मित्रता। अब देखिए बच्चों आगे, सर्वनाम से भाववाचक, फ्रॉम प्रोनाउन। बच्चों सर्वनाम और उनसे बनाए गए भाववाचक, पराया, परायापन, मम, ममत्व, आप, आपा, अपना, अपनापन, स्व, स्वत्व, अहम, अहंकार, सर्व, सर्वस्व, निज, निजत्व, निजता आदि। देखिए बच्चों, विशेषण से यानी फ्रॉम एडजेक्टिव, विशेषण से भाववाचक संज्ञा, प्यासा, प्यास, ऊंचा, ऊंचाई, मीठा, मिठास, निर्बल, निर्बलता, कटु, कटुता, एक, एकता, लंबा, लंबाई, ठंडा, ठंड, ठंडाई, स्वतंत्र, स्वतंत्रता, उदार, उदारता, सफेद, सफेदी, जवान, जवानी,
कठोर कठोरता, अच्छा अच्छाई, भला भलाई, वीर वीरता, गुलाम गुलामी, कम कमी, सुंदर सुंदरता, अनेक अनेकता। क्रिया से फ्रॉम वर्ब। चलिए बच्चों देखते हैं क्रिया से भाववाचक शब्द कैसे बनते हैं, भाववाचक संज्ञा के शब्द। चुनना चुनाव, हंसना हंसी हंसाई, बचना बचाव, जीतना जीत, घबराना घबराहट, मिलना मिलाप, जीना जीवन, सिलना सिलाई, बुनना बुनाई, फैलाना फैलाव, गिरना गिरावट, चढ़ना चढ़ाई, खेलना खेल, पीटना पिटाई, रुकना रुकावट, कहना कथन, भागना भगदड़, मारना मार, धोना धुलाई, खोदना खुदाई, लिखना लिखाई, कमाना कमाई, चमकना चमक, सजना सजावट, उड़ना उड़ान, छापना छपाई। आगे देखिए बच्चों क्रिया विशेषण यानी फ्रॉम एडवर्ब। क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञा। दूर दूरी, शीघ्र शीघ्रता, समीप समीपता, नित्य नित्यता, सहज सहजता, ऊपर ऊपरी, तेज तेजी, निकट निकटता, जल्दी जल्दबाजी, बहुत बहुतायत, अधिक अधिकता, निरंतर निरंतरता। विशेष भाववाचक संज्ञा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह नाम का ही बोध कराती है। एक वचन में संज्ञा भाववाचक होती है परंतु बहुवचन में यह जातिवाचक हो जाती है। चलिए बच्चों अब करने की बारी। नाउ लेट्स डू। निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा को रेखांकित कीजिए वे उसका भेद लिखिए। अंडरलाइन द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट द काइंड। बच्चों पहला वाक्य पढ़िए। रोहित कक्षा में प्रथम आया है, तो बच्चों इसमें संज्ञा कौन सी है? संज्ञा है इसमें रोहित, लेकिन कौन सी संज्ञा है? संज्ञा है बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि रोहित नाम है। ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आज आपने जो भी पढ़ा उसका रिवीजन करिए। हम मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय।